तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है पृथ्वी और आप देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं भट्टाचार्य रोड। आज हम करवाने वाले हैं अपने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन है आपको ये वीडियो में आगे पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें। और साथ ही साथ हम लोग आपको धन्यवाद करना चाहते हैं दोस्तों कि आपने बहुत अच्छा मतलब प्यार दिखाया है और आप लोगों के प्यार की वजह से जो हमारा है 2000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। और आप लोग बहुत ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट था कि अभी जो हमने पहले जितनी ही बाइक में मॉडिफिकेशन करवाया, हमारी बुलेट या फिर थंडरबर्ड, अपाचे में हमने ये अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं करवाया था और वो मॉडिफिकेशन है हज़ार्ड फ्लैशर का। और ये हज़ार्ड फ्लैशर जो है दोस्तों हाईवे पे बहुत ही यूज़फुल मतलब काम है इसका, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप फॉग वगैरह का टाइम है या रात का टाइम है इसको आप ऑन करके चलाते हैं तो एक कह सकते हैं कि आप सेफली आप राइड कर रहे हैं। क्योंकि जो लाइट जो इंडिकेट्स करता है मतलब बारी बारी से सारा लाइट जलता है, उससे ये दिखता है कि आपका जो भी गाड़ी है आगे जो है पीछे से आपको पीछे से गाड़ी वाले को वो जो है वो विजिबल रहता है। तो ये है कुछ मॉक्सी का हज़ार्ड फ्लैशर जो आज हम अपने बाइक में लगवाने वाले हैं। ये है इसका इस तरीके का कुछ बॉक्स। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमको मिलता है। दोस्तों ये है कुछ इस तरीके का मॉक्सी का पैकेजिंग, आप देख सकते हैं इसमें ये टाइप रिले लिखा हुआ है और इनपुट 12 वोल्ट डीसी है, आउटपुट जो है 10 वोल्ट मल्टीप्लाई 4, मतलब एक इंडिकेटर का 10 वोल्ट है और ये मल्टीप्लाई बाई 4 है क्योंकि बाइक में 4 इंडिकेटर होते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये वाटर प्रूफ है। वीडियो में बने रहिए, आपको अंतिम में जो है इसका प्राइस पता चलेगा कि इसका क्या कॉस्टिंग आया है और ये जानते हैं इसका सारा का सारा प्रोसेस और वीडियो के अंतिम में आपको बताएंगे इसका क्या कॉस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस। इंस्टॉल करने के लिए जो पहले जो हमारा जो हेडलाइट का जो असेंबली है, जो मीटर जहाँ पे रहता है उसमें दो नट्स होते हैं, उसे हमने दो स्क्रू को पहले ओपन कर लेना होगा और ये ओपन करने के बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको पहले इसका प्राइस बताता हूँ। इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा है ये मुझे पड़ा है 500 में इंस्टॉलेशन करके और साथ में 1000 फ्लैशर और प्लस एक स्विच। तो अगर ऐसे प्राइस हम लोग जोड़ेंगे तो 350 रुपये का 1000, 50 रुपये का स्विच और 100 रुपये इंस्टॉलेशन का। लेकिन मैंने सारा पेमेंट एक ही बार में उनको ऊपर दे दिया था तो फिर मुझे जो अलग से मिस्त्री हैं उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है इसका जो कनेक्शन होता है, जैसे जो डायरेक्ट जो बैटरी से जो दोस्त इंडिकेटर की तरफ जो लाइन आता है उससे हम लोग को कनेक्ट की करना पड़ता है, ताकि जैसे हम अगर आप इंडिकेटर बिना ऑन किए हुए जैसे आप जो हज़ार्ड का जो स्विच है उसको आप ऑन करेंगे तो जो आपको इफ़ेक्ट है वो मिलेगा दोस्तों। तो बारी बारी से जितने भी वायर्स होते हैं उनको आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो लोकल मैकेनिक होंगे वहाँ पे, आप जिस भी शहर से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप वहाँ पे जा करके करवा लीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल का किया हुआ और एक अपने खुद से करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। और झूठ मूठ के 50-100 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं आपकी वायरिंग जो है वो ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल मिस्त्री के पास चले जाएँ और वहाँ पर जा करके ये काम करा लें। और जब दोस्तों ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं फाइनली आपको मैं एक नाइट शॉट मतलब रात में आपको मैं एक अंधेरे में इसका जो क्वालिटी है वो भी दिखा दूंगा कि कितने सारे इसमें मोड्स है। ऐसे तो कंपनी कहती है कि इसमें 16 मोड्स है, तो हम लोग चेक भी कर लेंगे कितने मोड्स है और कैसा मोड्स किस तरीके से सारा मोड जो है वो काम करता है दोस्तों। अब जो है दोस्तों ये जो स्विच हमने लगवाया है उस स्विच को वायर कट करके अब उसमें कनेक्ट करने की जो है बारी आ गई है और जो हमारा हज़ार्ड सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है। ये जो हज़ार्ड सिस्टम है ये मॉक्सी का है, ये लोकल ब्रांड ही है। अगर आप इसमें और एक अच्छा क्वालिटी अगर लेना चाहते हैं तो एक सिमटेक करके एक ब्रांड आता है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका कॉस्ट अराउंड 1500 रुपये होता है। बस उसमें फीचर यही है कि वो कपलर टू कपलर आपका सेट कर जाएगा और इसमें भी कोई आपका वायर कट नहीं होगा दोस्तों। बस वायर कट करके जाओ जो आपका होल्डर से जो कपलर है उसमें होल्डर में वायर लगा देना है, कट कहीं से नहीं होता है। तो इतने छोटे से चीज़ के लिए फिर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही वाला जो है वो आप लगवा लें।
अब ये लगा लेने के बाद दोस्तों अब इसे एक बार चेक करना होगा और ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। और ये काम कर रहा है और एक साइड का जो मेरा पीछे वाला बल्ब है वो गिर गया, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप वो वाला बल्ब जो है वो अच्छे से इसको लगा दें। तो वो इंस्टॉल कर लेने के बाद वायर जैसे जिस पॉकेट में रहता है, एक रबर का पाउच होता है, उसमें सारे वायर मतलब अंदर किए हुए रहते हैं और उन्हें अच्छे से सरिया करके फिर दोबारा से जो स्क्रू है जो हमने खोला था लगाने के लिए वो फिर से अच्छे से टाइट कर देना होगा। और स्विच आप देख सकते हैं कि स्विच में मुझे आगे जगह नहीं मिल पाया था तो मैंने हैंडल के बीचों बीच ही लगवाया है। तो फाइनली हमारा जो हज़ार फ्लैशर है दोस्तों वो लग करके तैयार हो गया है। अब बस बारी आ गई है इसको चेक करने की और जो फाइनल इसमें जो नट वगैरह है वो हम लोग टाइट कर रहे हैं। और यहाँ भी हमने दिन में भी इसको लगा करके चेक कर लिया प्रॉपर्ली, ये वर्क कर रहा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे रात में जा करके फाइनली जो है वो टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जो अब जो हमने जो आज फ्लैशर लगवाया है अब उस फ्लैशर का जो है इफ़ेक्ट्स और मोड आपको वो दिखाते हैं। और इसके लिए हम लोग थोड़े से अंधेरे वाले जगह पे आ गए हैं ताकि फ्लैशर का जो जितने मोड्स है आपको अच्छे से बता सकें। तो अभी मेरी गाड़ी जो है वो इग्निशन ऑन है और मैं जो पहली बार जब मैं ऑन करूँगा तो आपको इफ़ेक्ट्स जो देखने के लिए मिलता है, तो मैं एक एक करके जितने भी इफ़ेक्ट्स आपको चलिए दिखाता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों जो पहला इफ़ेक्ट है ये रहा, ये नॉर्मल एकदम देख सकते हैं, एकदम सिंपल जैसे पहले की इतनी बाइकों में सिंपल होता था। दूसरा वही है दोस्तों, स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सेम चीज़ और ज़्यादा स्पीड बढ़ गया, ये बारी बारी से चलेगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, जब आप हाईवे पे जा रहे हैं तो ये वाला इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है मोड जो है। ये सिंगल सिंगल चलेगा दोस्त। इसमें एक और मोड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक ये मोड देखिए, ये मोड दोस्तों बेसिकली जब आप पार्किंग किए हुए बाइक को, चाबी आपकी ऑन है तो ये लगा लीजिए, बहुत कूल लगता है देखने में। ये जो इफेक्ट है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हज़ार्ड में इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा लोग इसे ही यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ जो है हमारा जो इफेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा पूरा वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आप आचे यूज़र हैं। और ये बेसिकली जो दोस्तों ये आप किसी भी बाइक में करवा सकते हैं, प्रोसेस जो है वो सेम होने वाला है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रोसेस सेम होने वाला है। और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें कि कैसे आप हज़ार लगवा सकते हैं और किस बजट में आप ये काम करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा कुछ इस तरीके का प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, वहाँ से भी आप जा करके फॉलो करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।